हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं सिंटैक्स पे। जब ग्रामर के दृष्टिकोण से आप सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट रखना चाहते हैं तो आपको सिंटैक्स के रूल को ध्यान से अप्लाई करना होगा। समझना है कि सिंटैक्स में हम पढ़ेंगे क्या। सिंटैक्स चैप्टर के अंतर्गत हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को समझेंगे, अर्थात किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग करना है। सिंटैक्स में आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल नेचर का है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। सिंटैक्स का बेसिक प्रिंसिपल यही है। प्रॉब्लम कहाँ आता है बच्चों में, कि वह सब्जेक्ट के नेचर को ही नहीं समझ पाते हैं कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। जब आपके पास यही कंफ्यूजन बना रहता है कि सब्जेक्ट को हम सिंगुलर समझ रहे हैं कि प्लुरल समझ रहे हैं, अब गलती कर बैठते हैं वर्ब के इस्तेमाल में। मैंने अभी ये बताया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप इसका इस्तेमाल करते होंगे, ही रन्स, लेकिन आई रन का इस्तेमाल करते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यह टेंस से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट का नेचर हमें समझना है। यह सब्जेक्ट का नेचर समझना है। अगर वर्ब है और उसके अंत में एस, ई एस, आई ईएस अगर होता है तो यह सिंगुलर नेचर का होगा। क्लियर, समझ रहे हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रूल याद रखिएगा कि जब कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, और पहले वाले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। देखिए एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, प्रिंसिपल एंड टीचर, अगर इस पहले सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन जो है इसके पहले द का प्रयोग आ जाए तो आपको यह समझना है कि ये दोनों व्यक्ति एक ही है। द प्रिंसिपल एंड टीचर, ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है। तो इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज प्रेजेंट। क्लियर, लेकिन जब आप देखेंगे कि इस पहले नंबर, पहला सिंगुलर नंबर के पहले एक आर्टिकल हो और दूसरे सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के
पहले भी एक आर्टिकल का प्रयोग हो जाए तो यह सब्जेक्ट बदल करके प्लूरल नंबर का हो जाएगा। जैसे कि आप पहले से समझ रहे होंगे, दो सिंगुलर नाउन मिल करके क्या बन जाएगा, प्लूरल नंबर मिल हो जाएगा। यहां दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो गया है तो यह दो अलग अलग व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति की इसमें परिकल्पना नहीं है, यह दो अलग अलग नंबर हो गए, दो अलग अलग व्यक्ति है और यह प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर गया सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर गया तो वर्ब भी यहां प्लूरल होगा, इज नहीं आर होगा। क्लियर, समझ रहे हैं? मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और सिर्फ पहले वाले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल आ जाए तब वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, अर्थात वह एक ही व्यक्ति दो पदों को निर्धारित कर रहा है, वह दो पदों पर क्रियाशील है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन जब दोनों सिंगुलर नाउन जो एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो गया है तब वह दो सिंगुलर नंबर मिलकर के प्लूरल नंबर बन जाएगा और वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको? अगर कंफ्यूजन हो तो जरूर